स्वागत किया है आपका एक और नए वीडियो में, एक और नई लर्निंग में, एक और नई टॉपिक के साथ में। तो चल, आज का टॉपिक है डिजाइन ऑफ बीन्स एंड फीडर्स। आज का इस टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हर एक इंडस्ट्री में हर एक जगह पे मिलेगा और हर एक जगह पे प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं बेसिक नॉलेज आपको देने जाऊंगा, न कि मैं भी इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। जितना मेरे को मालूम है, जितना मेरे पास है, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। प्रॉब्लम्स विथ मटेरियल स्टोरेज इन बीन्स एंड साइलो। हमारे इंडस्ट्री में क्या है, मटेरियल को हम स्टोर करते हैं बीन्स एंड साइलो में, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आता है। ये नीचे से ठोक रहा है एक आदमी उसको हिला रहा है, एक आदमी उसके ऊपर बैठा है। ये क्यों है, ये सारे अलग अलग पोजीशंस क्यों, ठोक रहा है, ठोकने की वजह से एक साइड स्ट्रेट है, एक साइड टेपर हो गया, बेंड हो गया है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इन सब के ऊपर हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो चालू करते हैं नेक्स्ट। फ्लो पैटर्न्स इन बीन्स। बीन्स के अंदर क्या फ्लो पैटर्न्स होता है, क्या क्या चीज़ें हमको चेक करना। एनालिसिस ऑफ फॉर प्रोडक्ट फ्लो इन बीन्स। हम क्या प्रोडक्ट फ्लो कर रहे हैं उसके बीन के अंदर, उसके ऊपर एनालिसिस। यानी कि हमको कंटिन्यूस फ्लो चाहिए, फीड रेट कंटिन्यू चाहिए, या हमको ऐसे ही आ रहा है जा रहा है तब भी चलेगा, वो सब चीज़ें पे डिपेंड करेगा। करेक्टराइजेशन टेस्टिंग ऑफ बल्क सॉलिड फ्लो बिहेवियर। जो हमारा टेस्टिंग करना है उसका, बल्क मटेरियल जो फ्लो हो रहा है उसका, तो उसके ऊपर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल आउटलेट एक्टिवेशन। उसका जो आउटलेट है, जितना मटेरियल निकल रहा है उसका एक्टिवेशन, मतलब कितना एक्टिवली वर्क कर रहा है, उसके ऊपर है। डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर बीन्स फीडर सिस्टम। उसका डिज़ाइन का क्या क्राइटेरिया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मेजर ऑफ फॉर इम्प्रूविंग द फ्लो पैटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग बीन्स। जो एग्जिस्टिंग हमारे पास बीन्स है उनके फ्लो पैटर्न को इम्प्रूव करने के ऊपर हम इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ फ्लो। फनल फ्लो एंड मास फ्लो, दो टाइप के फ्लो हैं। मास फ्लो क्या होता है, फ्लो मास मतलब बहुत ज़्यादा होगा, फनल मीन्स की रुक रुक के फ्लो करेगा, इसका मीनिंग ये है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। यानी कि हमको जितने जैसे ज़रूरत है वैसे फुल फ्लो कर रहा है तो मास है, कम रुक रुक के कर रहा है तो फनल फ्लो है। इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और रीज़न फॉर द बोथ एग्जिस्ट, उसमें रीज़न क्या है उसके ऊपर भी हम पढ़ेंगे कि दोनों हम क्यों यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर हम पढ़ेंगे। इसमें देखो, फनल फ्लो फर्स्ट दिया है। फनल फ्लो में क्या, फर्स्ट इन लास्ट आउट फ्लो सिक्वेंस। यानी कि जो मटेरियल फर्स्ट आएगा वो लास्ट में जाएगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसके लिए है कि इसकी बिन की डिज़ाइन रहेगी, उसके नीचे में बिन का जो डिज़ाइन रहेगा उसमें फर्स्ट वाला मटेरियल जाके नीचे बैठ जाएगा, और जो लास्ट वाला मटेरियल आएगा वो पहले निकल जाएगा। तो वो चीज़ें कैन नॉट बी एम्प्टी आउट कम्प्लीटली। इसको पूरा कम्प्लीटली एम्प्टी आउट नहीं कर सकते हैं। उसी में मास फ्लो में देखेंगे तो इसमें फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट फ्लो सिक्वेंस, जो मटेरियल फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट ही निकलेगा, इसमें कोई नीचे सेट नहीं होगा, नीचे बैठेगा नहीं। यानी कि जो कंप्लीट फ्लो हो रहा है मास फ्लो, उसको इसमें नीचे टोटल एक्टिवेशन रहेगा। इसमें ईटेक फ्लो है, आर्चिंग और रेट होलिंग, नीचे आर्च जैसे जम जाएंगे और वो रेट होलिंग में सेट हो जाएगा। इसके ऊपर भी मैं फोटो दिखाऊंगा आपको। सेग्रीगेशन, इसमें अगर हमको सेग्रीगेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि हमारा इसमें सेग्रीगेट हो जाएगा, सपोज हमने बड़ा रॉ मटेरियल का किया, रॉ मिल का साइलो से, रॉ मिल की गेंट्री में, तो हमारा क्या वो मटेरियल आएगा तो उसमें ऊपर में जो पाउडर मटेरियल है वो बैठ जाएगा, बड़ा वाला मटेरियल निकलेगा, बड़ा वाला बैठ जाएगा, छोटा वाला पाउडर निकले। हमने मिक्स क्यों किया है उसको, पाउडर और मिक्स बड़ा छोटा मटेरियल को, क्योंकि उसमें हमारे को प्रॉपर क्वालिटी आए, बट वो क्वालिटी सेट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है। नॉन फ्लोइंग जोन्स में लीड टू प्रोडक्ट डिग्रेडेशन। जो जहाँ से मटेरियल फ्लो नहीं कर रहा है वो मतलब लीड करेगा कि प्रोडक्ट डिडक्शन। कुछ हम जैसे हमारा स्टोर सीमेंट स्टोरेज है, कोई से भी प्रोडक्ट को स्टोर करते थे एक लाइफ टाइम होता है, कि भी इतने टाइम के बाद में उसकी इतनी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, उतने टाइम के बाद में इतनी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। तो सारी चीज़ें इसमें है। इसमें है कंसिस्टेंट डिस्चार्ज रेट, सेग्रीगेशन इज करेक्टेड। इसमें सेग्रीगेशन नहीं होता, करेक्ट होता। कैन बी एम्प्टी आउट कम्प्लीटली, इसको कम्प्लीटली एम्प्टी आउट कर सकते हैं। इसमें मैक्स प्लस पॉइंट क्या है, इसका माइनस पॉइंट था, इसका हमने प्लस पॉइंट, इसका माइनस पॉइंट पड़ा है, इसका प्लस पॉइंट पड़ा हमने। तो अभी हमने मैक्सिमाइज स्टोरेज वॉल्यूम फॉर ए गिवन हैंड रूम, इसमें हमको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। बट इसका नेगेटिव पॉइंट क्या, लिमिटेड स्टोरेज वॉल्यूम फॉर ए गिवन हैंड रूम, इसमें बहुत कम लिमिटेड हम
कर सकते हैं। इसमें लो इन्वेस्टमेंट आता है, इसमें रिलेटिवली हाई इन्वेस्टमेंट एज पर द वॉल्यूम स्टोरेज। इसमें जितना ज़्यादा वॉल्यूम स्टोर करेंगे उसमें सही उतना ही ज़्यादा इसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव आएगा। देखो फनल फ्लो और मास फ्लो के कुछ डायग्राम्स मेरे को मिले थे तो मैंने लगाए हैं। इसमें मेरे को जितना नॉलेज है उतना मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ये है फ्लैटन बॉटम सर्कुलर आउटलेट, इसमें क्या बॉटम फ्लैटन है सर्कुलर आउटलेट, तो इसमें क्या ये यहाँ से मटेरियल इतना ही एरिया से मटेरियल बाहर निकलेगा, बाकी के एरिया में क्या है ऐसे जमेगा मटेरियल, इसमें ऐसे सेट हो जाएगा चारों तरफ, चारों तरफ ऐसे हाइट पे सेट हो जाएगा, ये ऐसे हाइट शो हो जाए, हाइट में सेट होगा। तो वो क्या करेगा, ये इतना मटेरियल तो आपका डेड जोन हो जाएगा, ये सारा डेड जोन हो जाएगा, डेड जोन से क्या मटेरियल नहीं निकलेगा, तो वो क्या है आपका जो फर्स्ट मटेरियल आया वो तो नीचे डेड जोन में चला गया, लास्ट वाला मटेरियल निकल रहा है, तो वो उसमें एक कॉन्सेप्ट है। ये क्या है फ्लैट बॉटम आउटलेट, इसमें भी फ्लैट बॉटम है, तो इसमें भी क्या है ये एरिया है, यहाँ से तो मटेरियल निकलेगा, बाकी वो दोनों साइड के एरिया में क्या है जमेगा मटेरियल, हाइट पे ऐसे ब्रिज आर्च बन जाएगा, ये पूरा एरिया ऐसे डेड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये दोनों साइड में डेड जोन कन्वर्ट होगा। सेम ऐसे ही ये वाला ये कॉनिकल हॉपर सर्कुलर आउटलेट, इसमें भी कॉनिकल हॉपर सर्कुलर आउटलेट है, पर इसका कोन देखो और इसका कोन देखो, कोन का कॉन्सेप्ट देखोगे तो इसमें बहुत कम है, इसमें बहुत ज़्यादा है टेपर है, तो टेपराइजेशन की वजह से अच्छे से मटेरियल निकलेगा, बट इसमें टेपर नहीं है तो यहाँ पे चांस है इस एरिया में मटेरियल बिल्डअप का। तो ये सारी इसमें डिफरेंस है, इसमें क्या है कॉर्नर्स दे दिए हैं, तो ये कॉर्नर्स में चांस है मटेरियल बिल्डअप का, इसमें कॉर्नर्स में कर्व दे दिया है, इसमें कर्वेचर दे दिया है, तो कर्वेचर की वजह से वो मटेरियल बिल्डअप नहीं होगा। तो ये सारे इसमें फर्स्ट डिजाइन्स एंड डिफरेंस है मास फ्लो और फनल फ्लो में। मास फ्लो में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फनल फ्लो में जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने आपको दिखाया है। इसमें इसमें फनल फ्लो में इरिटेक फ्लो यानी कि रुक रुक के ये वाला है ब्रिजिंग, जैसे ब्रिज बन जाएगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा, ये बीच में बारीक हो गया साइड में मोटा हो गया तो ये सेग्रीगेट करेगा, फ्लचिंग फ्लश आउट हो जाएगा, पाइपिंग ये साइड में ऐसे जम रहा है, ये सर्कुलर आउटलेट या फ्लैट फ्लैटन आउटलेट दोनों में ऐसा प्रॉब्लम आएगा। ये सारी चीज़ें इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है देखा है। फनल फ्लो और मास फ्लो में क्या क्या चीज़ें हैं, वेन सेग्रीगेशन इज लेस इंपॉर्टेंट, सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो फनल फ्लो कर सकते हैं क्योंकि इसमें लो कॉस्ट है। वेन प्रोडक्ट डिग्रेडेशन इज नॉट लाइकली टू बी अ प्रॉब्लम, ये प्रोडक्ट को टाइम के साथ में सेट होने के बाद में उसके टाइम के साथ में उसका डिग्रेडेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वेन फीड रेट कंसिस्टेंसी इज नॉट ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंट, जो हमारा फीड रेट है वो प्राइम इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। मास फ्लो में क्या है इसके अपोजिट, वेन सेग्रीगेशन इज इम्पोर्टेंट, वेन प्रोडक्ट डिग्रेडेशन इज ए प्रॉब्लम, वेन फीड रेट कंसिस्टेंसी इज ए इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंट, ये फीड रेट इम्पोर्टेंट है तो फॉर एग्जाम्पल फीड बीन्स, ये सारी चीज़ें इसमें डिफर करती है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट का इवेल्यूशन करेंगे, ऑप्टिमाइज्ड स्टोरेज वॉल्यूम फॉर ए गिवन हैंड रूम, हमको कितना वॉल्यूम स्टोर करना है उसको हम ऑप्टिमाइज करना है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बेस पे हमको डिसीजन लेना है। मॉडरेट इन्वेस्टमेंट पर स्टोरेज वॉल्यूम, हमारा कितना हम मॉडरेट हम कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर हमको डिसीजन लेना है। कॉन्सिस्टेंट प्रोडक्ट फ्लो आउट ऑफ बिन, हमको बिन से प्रोडक्ट निकालना है वो कितना कॉन्स्टेंट होना चाहिए उसके ऊपर ये। पार्शली करेक्शन ऑफ सेग्रीगेशन वाइल प्रोडक्ट रिक्लेम, हम कुछ इसमें करेक्शन कर सकते हैं तो उसके ऊपर हम उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं, इसके प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट क्या, फर्स्ट इन लास्ट फर्स्ट लास्ट आउट फर्स्ट सिक्वेंस फेवरिंग प्रोडक्ट डिग्रेडेशन, जो बिन्स और हमने दिखाया फनल फ्लो और मास फ्लो दोनों में ये फर्स्ट एंड लास्ट फ्लो वाला प्रॉब्लम है। डेड जोन फेवरिंग प्रोडक्ट डिग्रेडेशन विद टाइम, डेड जोन भी फेवर करेगा अपना प्रोडक्ट है उसको डिग्रेडेशन के टाइम के साथ में, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान रखना है। एक डिज़ाइन है टिपिकल डिज़ाइन, अगर इस डिज़ाइन में बनाया तो हमको प्रॉब्लम लेस रहता है। वेन सेग्रीगेशन इज अनइम्पोर्टेंट, वेन प्रोडक्ट डिग्रेडेशन इज नॉट लाइक टू बी लाइकली टू बी ए प्रॉब्लम, पॉसिबल कॉन्सेप्ट टू इम्प्रूव
फॉर द इनसफिशियंट फ्लो पैटर्न ऑफ ए गिवन बींस। प्रोडक्ट सेग्रीगेशन इम्पोर्टेंट है, व्हेन प्रोडक्ट डिग्रेडेशन भी कम प्रॉब्लम में नहीं है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल कॉन्सेप्ट टू इम्प्रूव द इनसफिशियंट फ्लो पैटर्न ऑफ ए गिवन बींस। ये एक आउटलेट एक्टिवेशन बाय एरेशन, एरेशन के द्वारा उसका आउटलेट को एक्टिवेट करते हैं, वहाँ से मटेरियल को निकाला जाता है। तो ये हमारा फ्लैटन वाला है, इसमें नीचे एयर स्लाइड डाली हुई है, इसमें सिंगल ओपनिंग है। ये आपका सेंटर से डिस्चार्ज है, साइड में एयर स्लाइड डाल के इसको किया हुआ है। एक और आता है, इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इसमें आपका सेंटर में रहेगा और मटेरियल साइड से ऐसे अलग अलग जगह से आएगा और सेंटर में आके मिक्स हो जाएगा अलग अलग पॉइंट से। इसमें सेंटर से ही निकलेगा क्योंकि एयर स्लाइड है, तो यहाँ से एरेशन होगा और यहाँ से निकलेगा, बट वहाँ पे अलग अलग पॉइंट से आके सेंटर में मिक्स होकर नीचे जा निकलता है। वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है अलग अलग साइलोस के ऊपर में, तो आप देख सकते हैं इसे सर्कुलर साइलो के अंदर में ये रहेगा। ये इसमें एयर स्लाइड है, वहाँ एयर स्लाइड में ऐसे टॉप या बीच में से कॉनिकल पोर्शन रहेगा, बीच में कॉनिकल पोर्शन रहेगा, साइड में मटेरियल आएगा, साइड में एयर स्लाइड ऐसे नीचे से मटेरियल जाएगा, बीच में से टेपर टाइप करेगा, सेंटर में टेपर रहेगा, यहाँ से इसके सेंटर में माल निकालेगा, साइड से एयर स्लाइड होगी, ऐसे जो एयर स्लाइड दिखाई ना वो सारी एयर स्लाइड है साइड से होगी, ऐसे अलग अलग साइड से। ये इसमें टॉप टेप, ये साइड व्यू टॉप व्यू, इसमें इस टाइप से रहेगा। वो अलग अलग एरिएशन के अलग अलग साइलोस के ऊपर में डिपेंड करेगा आपको। इसमें क्या है, कंटिन्यूस सीएफ साइलो, कंटिन्यूस फ्लो साइलो या बेस साइलो है, वो सारे चीज़ें कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। कंटिन्यूस फ्लो साइलो तो उसके हिसाब से आपका रहेगा, बेस साइलो मतलब एक के ऊपर एक साइलो रहेगा, एक साइलो में रख के ब्लेंडिंग करेगा, उसके बाद में उसको नीचे वाले में ड्रॉप करेगा, नीचे वाले से माल निकालेगा, वो सारी कॉन्सेप्ट है। आउटलेट एक्टिवेशन बाय द एलआई बॉटम फीडर, इसमें बॉटम फीडर लगा के इसको आउटलेट को एक्टिवेट किया जाता है। ये हाइड्रोलिक ऑप्टिमाइज है, ये जर्मन लैंग्वेज लिखी हुई फोटोज में, ये रोलर टाइप का सिस्टम आता है इसको, इससे भी आउटलेट एक्टिवेट होता है, वाइब्रेट करेगा हल्का हल्का और वहाँ से मटेरियल निकालेगा। ये एक टाइप का है बॉटम फीडर है, ये इसमें एक्सिस पे रोटेट होता है, तो रोटेट होने से इसमें मटेरियल को सेंटर से गिराएगा, यहाँ से सेंटर से ऐसे गिरेगा। इस टाइप से कॉनिकल पोजिशन आता है, मैं जो दिखा रहा था इस टाइप से कॉनिकल पोजिशन रहेगा, यहाँ से साइड से स्लाइड्स रहती है, वो सेंटर में माल को गिराती है, इस टाइप से उसमें कॉन्सेप्ट होता है। आउटलेट एक्टिवेशन और बिन नट, फुल एक्टिवेशन ऑफ आउटलेट, सेपरेशन ऑफ मेटल डिस्चार्ज एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांजिशन ऑफ मास फ्लो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको हम देख सकते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट स्लाइड है, इसमें हम लास्ट में पूरा कंपैरिजन पढ़ रहे हैं। ये फनल फ्लो है, ये मास फ्लो है, बिन शेप कॉम्पैक्ट फ्लैट हॉपर, स्लेंडर स्लिप हॉप स्टिप हॉपर, ये सिलेंड्रिकल स्टिप हॉपर है, ये फ्लैट हॉपर, इसमें नीचे फ्लैटन रहेगा, वो जो दिखेगा उसमें नीचे फ्लैट रहेगा, इसमें चारों तरफ से ऐसे कॉनिकल रहेगा। फ्लो सीक्वेंस एंड डिस्चार्ज ऑर्डर, इसमें देखेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, लोडिंग ऑर्डर इन इनवर्सड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है एज लोडेड, जैसे लोड करेंगे वैसे निकलेगा। साइलो यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो पार्सली ओनली और इसमें कंप्लीट यूज कर सकते हैं। हैंडलिंग प्रॉब्लम में क्या, डिसकंटिन्यूस फ्लो है, इसमें रेट आर्चिंग और रेट होलिंग हमने जो स्टार्टिंग में देखा था, बताया था मैंने आपको, इसमें आर्चिंग कभी कभी पॉसिबल है। नो फ्लो में इरिटिक फ्लो, फ्लशिंग, लम्स फॉर्मेशन, हैंग्स अप पॉसिबल, प्रोडक्ट डिग्रेडेशन, सेग्रीगेशन पॉसिबल, ये है इसमें सेग्रीगेशन में काउंटरेक्टेड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन वो दबाइए, उसके पास में बेल आइकन है वो दबाइए, जैसे ही मैं न्यू वीडियो जैसे छोटे छोटे नॉलेजेबल वीडियो में आपके मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा। दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद आपका, जय हिंद जय भारत।